मैं मिस्टर मोनेस्टेरा एजीपी नर्सिंग फार्म पत्तोगी से। अच्छा सर, आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है फेडल लीफ लीगर माइकस नेरेटा के मुताबिक। सबसे पहले आपने इसके नेटिव के बारे में जानना है कि इसकी केयर एंड गाइड क्या है। आज हमने जो इसके बारे में बताना है आप लोगों को, आप अपने घर पे इसको कैसे रख सकते हैं, कहाँ पर आप इसको सॉरी अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, ताकि आइडियल इन्वायरमेंट जैसा ये जहाँ का नेटिव है वहाँ का इन्वायरमेंट आप इसको अगर देंगे तो ये अच्छा ग्रो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेंट्रल अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट एरिया। रेन फॉरेस्ट एरिया में अगर ये पाया जाता है तो जाहिर सी बात है भाई, ये उस इलाके में बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। और अब इस पौधे को आप, मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको कम्प्लीटली तौर पर इंडोर रखें, मतलब ऐसी जगह पर आपने इसको नहीं रखना जहाँ पर रोशनी ना आए, आपने इसको रखना है ब्राइट लाइट के अंदर, ठीक है। इसको आपने किसी भी विंडो के सामने प्लेस कर देना। अगर आप इसको डायरेक्टली इंडोर लाइट के अंदर रखेंगे जहाँ पर, बल्कि ऐसी जगह पर जहाँ पर लाइट ना आती हो, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लीफ जो है वो वाइटल है, इस पर स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा है, इसने इसको रोशनी चाहिए और इसने क्या करनी है भाई, फोटोसिंथेसिस करनी है। अगर आप इसको इंडोर रख देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और ये आपका प्लांट आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोशिश करनी है, आपने इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ ब्राइट लाइट हो। अगर आप इसको फुल सन के अंदर भी रखते हैं 6 घंटे के लिए, तो और आप कराची जैसे एरिया से रहते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, ठीक है। और ये ऐसा पौधा है जो कि गर्मी को पसंद करता है, ऐसा नहीं है कि ये को गर्मी को पसंद नहीं करता, ये गर्म इलाके का पौधा है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी पसंद करता है। आपने रखना कहाँ है इसको, आपने रखना है ब्राइट लाइट के अंदर रखना है, कम्प्लीटली तौर पर आपने इसको इंडोर नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका जो पोर्ट रखना है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, इसके पोर्ट जो आपने रखने ना उसमें ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, उसके नीचे होल होना चाहिए। अगर आप इसके पोर्ट के अंदर होल नहीं होगा तो आपका पौधा आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा, क्योंकि इसकी वजह मोस्ट ऑफ डैमेज जो है उनको नहीं पता। अगर पोर्ट के अंदर सुराख ना, तो उससे ये होता है कि अगर एक्सीडेंट भी लग जाए वो ड्रेन हो गए नीचे से निकल जाता है। लेकिन अगर पोर्ट के अंदर सुराख नहीं होता, आप बिगिनर है, आपको पता नहीं है, और आपका पौधा आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएगा। आपने इसकी पानी का इसका ख्याल रखना है, पानी का ख्याल इस तरह रखना है, आपने इसकी जो आपने मटेरियल लगाया हुआ है ना इसके अंदर, ठीक है, आपने उसको देखना है। अगर वो मॉइस्ट है तो आपने इसको पानी नहीं देना, लेकिन अगर वो खुश्क है, आपके आप हाथ से इसको टच करते तो हाथ के साथ स्टिक नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है इसको पानी देना, ठीक है। और कोशिश करें जो इसके मटेरियल आपने यूज़ करना है ना उसके अंदर आप थोड़े से कमल वगैरह पत्थर वगैरह डालें, ताकि ड्रेनेज सिस्टम होता रहे। पर नीडल ले लें, नीडल से आपने क्या करना है, इसके जो जहाँ पर आपने इसको लगाया हुआ है कोर्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपने इसके सुराख करते रहना, ठीक है, जड़ों को डैमेज नहीं करना, रूट्स को डैमेज नहीं करना, ठीक तरीके से आपने इसके अंदर सुराख करते रहना है। मतलब इसके लिए एयर आपने इसकी रूट्स को पहुँचानी है, जितनी इसके लिए एयर पहुँचेगी वो इसकी ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो इसके बाद अगर आप इसको करवाना चाहते हैं, इसके बाद आपने इसके जो लीव्स हैं ना इनको क्लीन रखें। अगर आप इसके लीव्स को क्लीन रखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, लीव्स को क्लीन रखने के लिए आप किसी भी पौधे के जो इंडोर प्लांट्स हैं आपके पास उनके आपके उनके लीव्स को ना आप नीम ऑयल ले लें, उससे आप क्लीन रखें, लश ग्रीन रखेंगे उतना उस पौधे के लिए बेहतरीन होगा। अगर इसके ऊपर आप डस्ट वगैरह जम जाएगी, एक तो इसकी शाइन ख़राब होगी, दूसरे इसके स्टोमेटा पर प्रॉपर लाइट नहीं पहुँच पाएगी, इसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और ये अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको प्रोपोगेशन करवा सकें, आप चाहते हैं आप इसको 1 से 2 कर सकें, तो आपने क्या करना है भाई, आप इसकी ईयर लेयरिंग कर सकते हैं, ईयर लेयरिंग से इसको 1 से 2 कर सकते हैं। ईयर लेयरिंग मतलब गुट्टी टाइप आप इसको बांध सकते हैं और जिससे ये पौधा ईयर लेयर हो जाएगा। आप इसको ये जो पौधा है, एक तो आप इसको रख सकते हैं ब्राइट लाइट में, विंडो के सामने एक्सपोजर में रख सकते हैं, फुल सनलाइट में। एक और बात, आप इसको जहाँ पर रख सकते हैं वो है जिसको आप ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं। ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो ये जो 6 घंटे की वो है दौरानिया सूरज का, ये बढ़ के भले 12 घंटे का भी हो जाए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़मीन के अंदर एक पौधा होता है उसके ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, उसकी रूट्स मजबूत होती हैं। जो एक पौधा गमले के अंदर होता है वो लिमिटेड सा होता है, ठीक है, उसकी रूट्स के पास लिमिटेड सर्फिस एरिया होता है, वहाँ से लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, उसकी कोई इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन अगर आप इसी को रखते हैं ज़मीन के अंदर प्लेस कर देते हैं, आप इसकी केयर भी कम करेंगे, ठीक है, और इसको फिर इफेक्ट भी नहीं होगा, नेचुरली तौर पर ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा।
अगर ये इसकी कंप्लीट वीडियो थी, ठीक है, आपने लीफ को क्लीन रखना है, आपने इसको कहाँ पर रखना है, ठीक है, आपने इसका मटेरियल कैसा इस्तेमाल करना है, आपने इसको वाटरिंग कब करनी है, आपने इसका कोट कैसा इस्तेमाल करना है, ये मैंने इस वीडियो में सारा एक एक करके एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको प्रोपगेट करवाना चाहते हैं वो भी मैंने आपको तरीका बताया, आप अगर आप इसको ज़मीन में लगाना चाहते हैं वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। और आपने अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको पसंद आई है, आपने अपने पौधे के ऊपर इसी तरह अप्लाई करके चेक करें, आपको पौधा इंशाल्लाह अच्छा ग्रो करेगा। आपने क्या करना है जी, हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। इसी के साथ मिस्टर मोन्स्टेरा को आज के लिए दिए इजाज़त, थैंक यू।